पहले तुम ही आ जाओ भाई साहब, डोगी साहब आप ही आ जाओ। देखो बहुत अच्छी लगता है इसका बर्गर। मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत प्यारा खूबसूरत सा दिन निकला है। अभी हल्की हल्की धूप आ गई है, कल आपको मालूम है कितनी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन अभी धूप है। और अभी मैं नाश्ता नहीं किया, तो मैं नाश्ता अपना बनाने जा रही हूँ। आज मैं नाश्ते में खाऊंगी अपने मेरे डैडी के फेवरेट पराठे, वो है मूली के पराठे। तो अभी अभी मैंने मूली ली है यहाँ से गली से, तो वो मूली, एक मूली मेरे को पता कितने की देखी गई है, 20 रुपए की। मतलब मैं हैरान हूँ, एक मूली 20 रुपए की आती है। तो मैंने एक मूली ली है, अब मैं अपने मूली के पराठा बनाने लगी हूँ, एक या दो जितना मेरा मन करेगा। और चलो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ, साफ साफ किचन है, सारे बर्तन धुले हुए हैं और बाहर आप देखो तो कितना प्यारा मौसम है। और अब मैं मूली का पराठा बनाऊंगी। मैंने ये कद्दूकस निकाला है मूली को कद्दूकस करने के लिए। मैंने आटा गूंदा है और इसमें मैंने दो पराठे के लिए मूली का कद्दूकस किया है। इसमें मैंने नमक डाला है, अजवाइन डाली और धनिया डाला है। इसको अभी मैं मैश करूंगी और आधी मूली मैंने रख दिया क्योंकि मेरे को सिर्फ दो पराठे के लिए मूली चाहिए थी और इतनी इनफ है। देख सकते हैं मैंने ये एक पेड़ा लिया और उसको बेल लिया, उसमें मैंने ये मूली की पूरी स्टफिंग कर दी है। अब नमक मैं ऊपर से डालूंगी, नमक मैं ऊपर से इसलिए डालूंगी ताकि वो पानी ना छोड़े, और इसलिए मैं इसको नमक को हमेशा ऊपर से डालती हूँ और फिर इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें ही मतलब इस पेड़े में ही इसको मूली को ऐसे मिक्स कर लूंगी। पहले मेरा मूली का पराठा ना हमेशा की हमेशा फट जाता था, लेकिन जब से मैंने ये ट्राई किया है मेरा मूली का पराठा फटता नहीं है। रोटी को बंद कर दूंगी, पैक कर दूंगी अब मैं रोटी को। आप देख सकते हैं ये देखो ये पराठा मेरा कितना सुंदर सुंदर बन गया है ना। इस पे मैंने लगाया घी। इस घी के बारे में तो सबको ही मालूम होगा जो वहां पे रहता होगा हरियाणा में, हरियाणा में रहता होगा उसको तो इस घी के बारे में मालूम होगा। ये डेयरी है बहुत बड़ी हमारे करनाल में, तो ये डिब्बा मैं वहीं से ही लेके आती हूँ। मैं चाय बना रही हूँ इलायची वाली, क्योंकि ना अभी तक ना मैंने ना वो नहीं स्टार्ट की है, कर्ड स्टार्ट नहीं किया दही। वैसे कोई भी पराठा हो मेरे को दही के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस ये थोड़ी ठंड तो नहीं है, बारिश हो रही है, वो थोड़ी बंद हो जाए फिर मैं दही नहीं खाऊंगी। और दही आपको पता नहीं है मैं दही बहुत खाती हूँ, मेरे हर मील में दही होती है, लेकिन वो गर्मियों में होती है, सर्दी में नहीं होती। मीट आवर छोटी सी इनायत, हमारी एंजल छोटी सी, बच्चा कैसे चल रहा है मेरा पिद्दू? तू कहाँ लेके आए, तू मेरी मेकअप की टुकू लेके आए बेटा? मम्मा मेकअप करके दे तुझे। हम चल रहे हैं बाहर, आप भी चल रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको तो कभी भूल नहीं सकती, आपको तो मैं लेके जाऊंगी। तो हम चल रहे हैं बर्गर खाने, मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही है, जब से फास्ट मेरा ओपन हुआ है मैंने कुछ खाया नहीं है बाहर का, तो आज हम चल रहे हैं बाहर। आपको पता है कल तो कितनी बारिश हो गई थी, लेकिन आज हम नहीं रुकेंगे, आज तो हम जाएंगे। मेरे को सब्जियां भी चाहिए कुछ, देखो आज भी बारिश का मौसम है, बट हम तो चलेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। लुक एट माई ब्यूटीफुल मेकअप, देख सकते हो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, टॉप पहना है, साथ में मैंने स्टॉकिंग्स पहने हैं, साथ में मैंने ये वाइट कलर का पर्स कैरी किया है, और मैं चप्पल पहनूंगी ब्लैक या कोई कलरफुल, आई डोंट नो, अभी मैं देखूंगी मेरे को कौन सी अच्छी लगेगी मैं वो पहनूंगी। शूज़ पहनने का मेरा मन नहीं है तो मैं ये पहन के जा रही हूँ। मेरे फुटवेयर पहनने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने इसको निकाल लिया, वैसे तो ब्लैक भी है बट नो, मेरा मन कर रहा है कि मैं कंफर्टेबल एंड क्यूट से पहनूं, तो मैंने इसको निकाल लिया। तो मैं बर्गर किंग आ गई हूँ, तो अब मैं खाऊंगी बर्गर, मेरे को इतने दिन से क्रेविंग हो रही है, तो वो क्रेविंग आज खत्म होगी, मैं खाने जा रही हूँ बर्गर। मैंने इनका 99 का मील लिया है, बर्गर भी में पहले 99 का मील नहीं था, महंगा था, तो अभी इनका 99 का मील हो गया। 99 में एक बर्गर है और है फ्राइज है और कोक है, मैं आपको दिखूँ सी, और ये सस्ता हो गया, पहले महंगा था, 99 का नहीं था, मे बी 159 या 179 का पड़ता था, अब थोड़ा सस्ता हो गया। तो यम्मी, मेरे को इतने दिनों बाद खाने को मिल रहे हैं सर। बर्गर किंग खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ मैकडोनल्ड्स जा रही हूँ। अब आप चलो मेरे साथ मैकडोनल्ड्स भी चलो, क्योंकि मैंने बर्गर किंग का भी बर्गर ट्राई किया, मैं मैकडी का कर रही हूँ। ये बर्गर किंग है और ये है मैकडोनल्ड्स, तो चलो साथ में चलते हैं। वाओ, यहाँ पर तो डॉगी को भी एंट्री करनी है मैकडी में, मैंने तो अभी अभी देखा है। देखो ये
देख सकते हो मैकडोनल्ड्स में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मैं मैकडी में बैठी हूँ, मैं बर्गर का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं मैकडी का मैक आलू टिक्की ट्राई करने लग रही है, अभी बहुत यमी लगता है मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छी लगता है इसका बर्गर मैकडोनल्ड्स का। मैंने बर्गर किंग और मैकडी का सबसे जो सबसे सस्ता बर्गर है उसको ट्राई किए हैं और मैंने उनका रिव्यू दिया है। मैंने अपने एक शॉर्ट्स के चैनल पे, वो शॉर्ट का चैनल मैंने अपना ओपन कर लिया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को, उस चैनल को भी प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उस चैनल को भी ज़रूर कीजिए। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ये कितने प्यारे प्यारे सॉफ्ट हैं, इनको देख के मेरे को इनायत की याद आई, तो मेरे को मन किया कि मैं उसके लिए ले लूँ, लेकिन जब मैं घर जाऊँगी तभी उसके लिए लूँगी। अभी मैं ला के कहाँ रखूँगी, बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से है ये। ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं फ़ेस वॉश के लिए आई हूँ और मेरे को फ़ेस वॉश मिल गया, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा निशान पड़ने लगे थे, छोटे छोटे पिंपल्स होने लगे। शुक्र है मेरे को ये वाला, मैं हैप्पी हूँ, मैं ये मिल गया है। मेरे को ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगा है, महंगा ही सूट करेगा, आपको सस्ती चीज़ें भी सूट करती है। मेरे को सच में महंगी और सस्ती कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे फेस के अकॉर्डिंग जो है वो यही है। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको कैसे बैठे हुए हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। कार्टून तीन थर्ड टी शर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मेरे को ये बहुत प्यारी लगी है, लेकिन ये साइज़ बहुत बड़ा है। अगर इसका साइज़ छोटा होगा या नहीं होगा, ये डबल एक्सेल है और मेरे को मीडियम या लार्ज आता है। मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है और ये साइज़ बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है इसमें। मेरे को बहुत पसंद आई है, मेरे को कार्टून प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पे आई थी, ये बिल्कुल मेरे घर के पास है, मॉल 2 मिनट की दूरी पे। मेरे को ये चाहिए था उपटन फेस वॉश, मेरे को बहुत अर्जेंट में चाहिए था, क्योंकि जो दूसरे वाला मैं लेके गई थी उसके कारण मेरे पूरे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप कुछ हो गया, तो इसलिए मेरे को ये लेने आना पड़ा। ये नहीं कि मैं रेडी हो गया हूँ, मैं जैसे भी होती हूँ, मेरे को पता है कि मेरे को तो ये मॉल शॉप की तरह ही लगता है मेरे को, हाँ कुछ चीज़ अर्जेंट है तो मेरे को फटाफट आना पड़ता है, तो इसलिए मेरे को ये चाहिए था, इसलिए मैं आई हूँ, वरना मैं नहीं आती, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ काम नहीं था यहाँ पे। मैंने बस फेस वॉश ले लिया और मैंने 2 मिनट में फेस वॉश लिया और मैं जा रही हूँ। मैं छोटी छोटी बूंदें आने लगी और बारिश आने स्टार्ट हो गई है, और देखो पीछे आप कितने पेड़ पौधे हिल रहे हैं। मेरे को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सब्जी लेनी है, बस बस मैं जा रही हूँ। हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की कब तेज़ हो जाए पता नहीं, आपको मालूम है दिल्ली में इतनी तेज़ 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हल्का चीज नहीं मिलेगा जी हमारे पास, रेट में गुजारिश नहीं होगी, 30 रुपए किलो। घर आ चुकी हूँ और बारिश बहुत स्टार्ट हो गई थी, शुगर है कि जब आ रही तो हल्की हल्की, और ये अब स्टार्ट हो गई है, तो मैं भिंडी वगैरह लेके आई हूँ और खीरा लेके आई हूँ और गोभी लेके आई हूँ। भिंडी इतनी महंगी, मेरे को बात पता चला इतनी महंगी भिंडी हो गई है, 100 रुपये किलो भिंडी मिल रही थी। हर चीज़ बहुत महंगी, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। दूध ख़त्म हुआ था और खीरे, और ये बनाना लेके आई हूँ, शिमला मिर्च, और मैं ये भिंडी लेके आई हूँ, खीरे और अदरक और गोभी लेके आई हूँ। बस ये देखो, मैं बर्गर किंग से, मेरे से इतना नहीं खाया जा रहा था, तो मैं इनके ये फ्राइज़ पैक करवा के ले आई थी, तो अब मैं खाऊंगी और मेरे को ऐसा लग रहा है ये सोगी सोगी हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम वेस्ट थोड़े नहीं जाने देंगे, हम तो खा लेंगे इसको। आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, मैंने एक और चैनल अपना स्टार्ट किया है शॉर्ट्स वीडियो का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, तो आप उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार दें और उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much. Bye-bye.